बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 22 जनवरी हमारे हृदय सम्राट श्री परम हंस दयाल जी महाराज जी के चतुर स्वरूप का अवतरण दिवस है। आप पूर्णिमा के पूर्ण चांद के तेज को लिए हुए 22 जनवरी सन 1901 20वीं शताब्दी के आगमन में पूर्णिमा मंगलवार के दिन प्रभात वेला में लक्की मरवत जिला बन्नू में अवतरित हुए। पूर्व दिशा में ज्यों ही सूर्य का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की भी नवल प्रभात आ गई। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमार्थ की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। अरुणिम वेला में पक्षियों ने कलरव किया, लालिमा ने दिशाओं को लाली से भर दिया। भक्ति परमात की लालिमा में प्रेमियों ने अपने भाग्यों को सराहा। पूज्य श्री चोखा राम जी को आपके पिता तथा पूज्य श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। आपके दाएं श्री चरण में चक्र चिन्हों की शोभा देखते ही मन मुग्ध हो जाता। नामकरण संस्कार के दिन आपका शुभ नाम श्री मूलचंद जी रखा गया। जिस स्थान पर एक महापुरुष का अवतरण होता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है, और जहाँ पर दो दिव्य महान व्यक्तित्व अवतरित हुए हों उस धरती के ना जाने कितने भाग्य होंगे। इसी लक्की की धरती पर हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज अवतरित हुए, और अब आप महान विभूति श्री चतुर्थ रूप में श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज अवतरित हुए। आप बचपन से ही साधु स्वभाव, एकांत प्रिय, शांत प्रकृति के थे। अभी आपकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की ही हुई होगी कि एक दिन आपकी पूज्य माता जी कहीं बाहर घूमने के लिए गई। वे आपको भी अपने साथ ले गई। मार्ग में एक स्थान पर कुछ लोग जमघट लगाए हुए कुछ देख रहे थे। माता जी भी उस भीड़ को देखकर उधर ही चल दी। वहां पर मध्य में एक बैल खड़ा था। उसका मालिक जो भी प्रश्न करे वे अपनी संकेतिक भाषा में उन प्रश्नों का उत्तर देता था। उसके चारों ओर खड़े हुए लोग अपने भावानुसार प्रश्न कर रहे थे। उस जन समूह में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस समूह में भगवान का सबसे प्यारा कौन है। वह बैल चलता चलता भीड़ को एक ओर करता हुआ वहां आ खड़ा हुआ जहां आप अपनी माता जी के साथ खड़े थे। उसने अपने सिर से आपकी ओर संकेत किया। वह अपनी संकेतिक भाषा में यही उत्तर दे रहा था कि आप भगवान के प्यारे ही नहीं अपितु बालक के रूप में स्वयं भगवान हैं। उस समय जन समूह बड़े आश्चर्य से आपकी ओर देखने लगा। सचमुच ही जिन हृदयों में कुछ भक्ति भावना तथा अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम था वे आपकी ओर आकृष्ट हुए बिना रह न सके। वे एकटक आपकी मनोरम छवि को निहारते ही रह गए। आप अपने सरल स्वभाव से अपनी माता जी के साथ घर लौट आए। इसी प्रकार अनेकों झलकियां आपके जीवन से हमें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि आप जन्मजात ही अवतारी पुरुष थे। परम हंस देव ज्योति यह सुख सिंधु प्रणत पाल प्रकटे चतुर्थ रूप में श्री सतगुरु दीन दयाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।